तहरीक इंसाफ नाकाम क्यों हुई, पीटीआई की असल नाकामी क्या थी, आरिफ अलवी ने सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। इन दिनों साबिक वजीर आजम और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अडियाला जेल में कैद हैं, जबकि दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम के अहम सियासी रहनुमा इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जमात से मुतालिक हैरान कुन इंकशाफात की बंद पिटारी भी आहिस्ता आहिस्ता खोलते जा रहे हैं। हाल ही में एक गैर मुल्की इंटरव्यू के दौरान सदर ममलकत आरिफ अलवी ने चंद अहम राजों से पर्दा उठा दिया है। सीनियर तहरीक इंसाफ रहनुमा आरिफ अलवी का साबिक वजीर आजम से मुतालिक कहना है कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तब कप्तान के साथ जाती मामलात पर कम बात होती थी। इस दौरान सदर अलवी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की नाकामी पर भी इंकशाफ किया और कहा कि इमरान खान और फौज के दरमियान मुसाहलत न होने की बहुत सी वजूहात थी जिनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आइंदा आम इंतखाबात 2024 पर सदर आरिफ अलवी ने कहा कि शफाफ और काबिल एतमाद इलेक्शन के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। नवाज शरीफ या जो भी मुंतखब होकर आएगा ओहदे के तकाजे के मुताबिक उससे हल्फ लेने की जिम्मेदारी पूरी करूंगा। मुल्क का नया वजीर आजम आप किसे देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए।